और जहां हम तैयब की बार बार बात कर रहे हैं, मिसबा, आपको लगता है कि आज जरूर कराची किंग्स की मैनेजमेंट ये सोच रही होगी कि क्यों हमने जल्दी ये फैसला नहीं लिया? बिकॉज वी सॉ हैदर अली नॉट चिपिंग इन, ऑन एंड ऑन, तो शायद तैयब ताहिर पहले होते, बिकॉज अब तो एवरी मैच फॉर कराची किंग्स इज अ विन मैच, अ मस्ट विन मैच। देखिए, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कराची सोच रहा होगा कि ऐसे कर लेते, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है फिर। ऑब्वियसली थोड़ा सा कराची के लिए इसलिए भी मुश्किल हो गया कि बीच में एक हैदर ने इनिंग खेल दी थी और लगा था कि हैदर जो है उस ग्रूव में आ गए हैं, अच्छा थोड़ा खेले हुए इस्लामाबाद के अगेंस्ट। उसके बाद फिर दो फेलियर हो गए और फिर फील्डिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, फिर एक रन आउट हो गया क्रूशियल स्टेजेस पे। तो मुझे वही चीज़ लग रही है कि वो भी अभी तक टैलेंट होने के बावजूद बुखलाए हुए अगर आप खेलेंगे ना तो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। आपने बिलीव करना है, अपने प्रोसेस का आपको पता हो उसको आपने फॉलो करना है, जो कि तैयब ताहिर में नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली वो सीज़न जब आप खेलते हैं और हर फॉर्मेट में इतने रन्स करते हुए आते हैं, एक तो वो टाइम होता है, ऑब्वियसली आपका वो जो एक मैकेनिज़म है बॉडी का, मसल मेमोरी है, फिर माइंड में सारा कुछ है कि यार मैंने 4 डे में भी रन्स किए हैं, मैंने 1 डे में भी रन्स किए हैं, मैंने T20 में भी रन्स किए हैं। सो कंडीशंस को, हर चीज़ को समझते हुए और एक्सपीरियंस, 29 साल एज का मतलब है, वो पिछले 2-3 सीजनों से ये सारे रन्स वो करते हुए आ रहे हैं, फिर कंडीशंस का पता है बहुत अच्छी तरीके से जी। वेड और उनका जो फ़र्क है वो यही है, क्योंकि होम कंडीशन को पता है कराची की पिच क्या है, तो किस कैसे मैंने उसको किस पेस पे मेरा बैट आना चाहिए। आई थिंक बहुत अच्छा स्टार्ट मिला, कैश किया और उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, बट ओवरऑल कराची के लिए मुझे लगता है कि वही बात, वो उन सारी परफॉर्मेंसेस को इकट्ठा नहीं कर पा रहे विन की तरफ ले जाने के लिए। कोई ना कोई एक उनका लिंक बीच में से मिस होता है और अच्छा खेलते हुए भी वो मैचेस हार रहे हैं। मतलब वो मैच, 3 कम से कम मैच वो हैं जो कराची को आराम से जीतने चाहिए। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर कराची। अब मिसबा, वो तो चलें, अब मेरे ख्याल से आई थिंक ये सीज़न, बिकॉज जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने स्टार्ट किया, क्रिकेट बाय चांस कहते हैं, अभी मैडी को जो है वो 2 बैक-टू-बैक चौके और एक शान मसूद इज ऑन फायर। शान मसूद देखें, आई मीन चले अच्छी बात है, वी आर हैप्पी दैट शान इज ऑल्सो स्कोरिंग रन हियर, लेकिन ज़ाहिर है हमें थोड़ा सा अफसोस तो करने का हक है ना हमारा, क्योंकि बिकॉज कराची के हैं तो ज़ाहिर है एक होगा।